पर हमारे प्रदेश के सम्माननीय राज्यपाल महोदय, डीजीपी, सभी ऑफिसर्स, सुरक्षा बलों के सभी जवान और मीडिया के साथीगण, पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर हमारे पुलिस और सुरक्षा बलों के शौर्य, पराक्रम, बलिदान, देश प्रेम, सजगता और इतिहास से जुड़ी हुई तारीख है। इस तारीख की पृष्ठभूमि में 21 अक्टूबर 1959 का वह दिन है जब भारत तिब्बत सीमा पर लद्दाख में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 3री बटालियन के मात्र 21 जवानों ने एक बहुत बड़े चीनी दस्ते का अदम्य साहस और पराक्रम के साथ मुकाबला किया था। इस दस्ते पर चीनी दस्ते ने घात लगाकर हमला किया था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इस तरह यह स्मृति दिवस पुलिस और सुरक्षा बलों के योगदान का स्मरण करने और उन्हें नमन करने का दिन भी है। यह दिन पुलिस और सुरक्षा बलों की महान परंपराओं को आगे बढ़ाते रहने का संकल्प लेने का भी दिन है। पुलिस स्मृति दिवस हमारे अमर शहीदों की अमर शौर्य गाथा को कहने सुनने का दिन है और इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते रहने के उद्यम का दिन भी है। पुलिस और सुरक्षा बलों को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अनेक ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिनकी साधारण जन कल्पना भी नहीं कर सकते। इन चुनौतियों का मुकाबला करते हुए हमारे जवान अक्सर अपने परिवार की सुख सुविधाओं का भी ध्यान नहीं रख पाते। इन जवानों के साथ साथ उनके परिजनों को भी अनेक तरह का संघर्ष करना पड़ता है। यह दिन इन पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों के साथ साथ उनके परिजनों के संघर्ष को भी नमन करने का दिन है। पुलिस और सुरक्षा बलों के चौकन्नेपन के कारण ही देश में कानून और शांति व्यवस्था कायम रहती है और विकास के नए आयाम स्थापित होते हैं। छत्तीसगढ़ में विकास के रास्ते में नक्सलवाद एक बहुत बड़ा अवरोध है। हमारे सुरक्षा बलों के जवान अपने साहस और पराक्रम से पूरी सफलता के साथ नक्सलवाद का मुकाबला कर रहे हैं और उसे लगातार पीछे धकेल रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे जवान नक्सल पीड़ित क्षेत्रों के विकास और दुर्गम क्षेत्रों तक शासन की योजनाओं कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाने में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे जवानों के कारण ही इन पहुंच विहीन क्षेत्रों में नियद नेलानार, पीएम जनमन, धरती आवा, जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसी योजनाओं के माध्यम से सड़क, बिजली, पानी, मोबाइल टावर, स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल जैसी अधोसंरचनाओं का विकास तेजी से हो पा रहा है। यह हमारी खुशनसीबी है कि प्रदेश में पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को अधिक से अधिक संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराने के हमारे प्रयासों में भारत सरकार का भरपूर सहयोग और समर्थन मिल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के ऊर्जावान नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ ने आने वाले 2 वर्षों के भीतर प्रदेश से नक्सलवाद के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। मुझे विश्वास है कि हमारे पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों के शौर्य, पराक्रम और कौशल से हम निर्धारित समय में इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। देश, प्रदेश और समाज की आंतरिक और बाह्य खतरों से सुरक्षा करते हुए हमारे जिन जवानों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं, मैं उन सभी को पुनः नमन करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब हम